सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की जय। जय यीशु। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुवा सिस्टर स्थिर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की शाम की आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं ईश्वर की अनुग्रह और दया आप सबों के साथ बनी हुई है। आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। प्रभु ने आप सबों को और हमें भी एक यह सुंदर मौका दिया है कि आज की सांझ की बेला में फिर से हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। तो आइए, जहां कहीं भी हम सब हैं, हम एक मन एक हृदय होकर आज प्रभु के पास आएं और उसकी स्तुति उसकी महिमा करें। तो आइए, आज की सभा में आरंभिक प्रार्थना मेरे द्वारा होगी। आराधना में अगुवाई करेंगे भाई शशांक, बहन कीर्ति और साथ दूंगा मैं। आज वचनों को पढ़ेंगे भाई शशांक, साथ ही आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष प्रार्थना आशीष की प्रार्थना प्रभु अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे। तो आइए, हम जहां कहीं भी हैं अपने आप को हम प्रार्थना की अवस्था में ले जाएं, हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति के लिए तैयार कर लें, प्रभु से जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। धन्यवाद। आइए, इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करें। हम इस घड़ी ईश्वर से जुड़े। ईश्वर को इस घड़ी हम हृदय की गहराइयों से पुकारें। बाइबल बताती है, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उन सबों को पिता ईश्वर ने पुत्र होने का अधिकार दिया है। उसी अधिकार से इस घड़ी उस पिता ईश्वर को पुकारिए। वो आपका पिता है, वो आपका शरण स्थान है, दृढ़ गढ़ है, वो आपका पालनहारा है, वो आपका जीवन दाता है। उसी ने आपको अपने हाथों से बनाया है। उस ईश्वर को पुकारिए, उसे अपने हृदय में बुलाइए, उसे अपने शरीर में बुलाइए। उसने अपने पवित्र वचन में कहा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। वो इस घड़ी आपके साथ एक हो जाना चाहता है। इस घड़ी अपने एक एक गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा मांगिए। वो दयावंत ईश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला ईश्वर है, वो अनुग्रह का धनी ईश्वर है। वो अपने वचन में कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे उनके नाई उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की नाई श्वेत हो जाएंगे। वो इस घड़ी आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। वो इस घड़ी आप में निवास करना चाहता है। उसके सामने इस घड़ी अपने आप को दीन कीजिए, नम्र कीजिए, अपने आप को इस घड़ी ईश्वर के हाथों समर्पित करते हुए इस घड़ी बड़े प्यास से उसके पवित्र आत्मा को मांगिए कि वही पवित्र आत्मा इस घड़ी हमें उस ईश्वर से जोड़ देगा। हमें वही पवित्र आत्मा इस घड़ी उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा करने की कृपा देगा। वही पवित्र आत्मा इस घड़ी हम सबको ईश्वर के चरणों तले ले चलेगा, ईश्वर को सुनने की कृपा देगा, उसको महसूस करने की कृपा देगा। हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं पिता तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, कि हर दिन प्रभु तू हर सांझ की बेला में तू हमें नाम लेकर अपने पास बुलाता है। तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु हम सब बच्चे मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं।
प्रभु इस घड़ी हम सब बच्चे अपने आप को, अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे इस जीवन पर तेरा ही अधिकार है, हमारे इस जीवन पर, हमारे इस जीवन की एक एक परिस्थितियों पर तेरा अधिकार है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने कहा है, मैंने तुम्हारे चित्र को अपने हथेलियों पर अंकित करके रखा है, तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने बनी रहती है। धन्यवाद करता हूँ पिता तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ किस घड़ी तूने हम सबको नाम लेकर बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया, किस घड़ी हम तुझसे जुड़े, तुझसे संयुक्त हो जाएं, तेरी स्तुति तेरी आराधना करें। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तूने अपनी शिक्षा को, अपने उस पवित्र आत्मा को भेज कर हम में से एक एक जन पर अपने पवित्र आत्मा को उंडेल कर पूरा कर दिया है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं इस घड़ी हम आत्मा और सच्चाई से पिता तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा करने जा रहे हैं, तुझसे जुड़ने जा रहे हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज की इस प्रार्थना सभा में जितने तेरे बच्चे इस घड़ी तुझसे जुड़े हैं पिता, और इस प्रार्थना सभा से जुड़ने वाले हैं पिता, उन सब की एक एक प्रार्थनाओं को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता, कि आज के दिन में तू उनकी एक एक प्रार्थनाओं को सुनेगा, उत्तर देगा, और उनके जीवन में अपने महान सामर्थ्य को प्रकट करेगा पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग प्रभु इस घड़ी दुखित हैं, निराश हैं, हताश हैं, बेचैन हैं, चिंतित हैं, तू उन सबको इस घड़ी एक माँ की तरह दिलासा देने जा रहा है पिता, उन सबको अपने आनंद के तेल से अभिषिक्त करने जा रहा है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु, इस सुंदर समय को, इस आराधना, इस प्रार्थना को, इस वचन घोषणा को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को उन्हें हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। एक ही नाम, वो एकमात्र नाम यीशु, इस नाम में ईश्वरीय प्रेम का, प्रेम की धारा समाहित है, और उसी नाम से, उसी नाम में वो सामर्थ जो हर एक असंभव बातों को संभव कर देता है। आइए उस नाम की गूंज पूरे विश्व भर में फैलाएं इस गीत के माध्यम से। हो ये सुना ये सुना
बचाता है
जीवन के क्षण क्षण में, हर कदम में आप हमारे साथ रहे प्रभु। आपने हमें कभी भी नहीं छोड़ा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आप निरंतर हमारे संग रहे, हमारे साथ रहे। अपनी अनुग्रह को, अपनी कृपा को, अपनी दया को, अपने प्रेम को निरंतर आपने हम सबके जीवन में बरसाया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, उन तमाम आशीषों के लिए आज हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये पिता, हमारा हर एक धन्यवाद का शब्द आज कम है प्रभु, जितनी कृपाएं आपने हम सब के जीवन में की है। ये पिता, हमारी आराधना को, हमारी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आगे के कार्यक्रम के लिए, ब्रदर राज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सिस्टर एस्थर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु फिर से हम सब की आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को, आत्मिक बुद्धि को खोलना प्रभु, ताकि तमाम वो शिक्षाएं प्रभु जो उनके मुख से, उनके मुख के माध्यम से आप देने जा रहे हैं, उन तमाम बातों को हम ग्रहण करें और उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता उसका 100वां अध्याय उसका 3रा पद और एक वचन है। पहला सामवेल 26वां अध्याय उसका 25 पद। इन दोनों जगहों पर जो वचन हम ऐसा लिखा हुआ पाते हैं, यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भीड़े हैं। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, बेटे दाऊद, तुम्हारा कल्याण हो, तुम महान कार्य करोगे और उनमें सफल भी होगे। दाऊद चला गया और साउल अपने निवास लौट गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Thank you.
प्रभु को जय शु यीशु सहाय। आइए हम वचन को सुनने से पहले प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, धन्यवाद हम सब की अगुआ और आपकी दासी सिस्टर स्तर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग मुझे इस वक्त अपने घरों से बैठे देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं और जितने लोग आराधनालय में हैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। यह प्रभु गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के फोन किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू तो जानता है कि हम सब में अनगिनत बुराइयाँ पाई जाती, उन तमाम बुराइयों के लिए फिर से तुझसे क्षमा प्रार्थी हैं प्रभु। हम सबको अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और इस वक्त जो भी हम सबको सिखाना समझाना चाहते हैं उसके लिए हमें हमारी आत्मिक आँखों आत्मिक कानों को खोली। जितने डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी परेशानी की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो भजन संगीता 101 का, भजन संगीता 100 का 3 और पहला सामुएल 26 का 25। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई के भेड़ हैं। साउल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। आज जो पिता ईश्वर हम सबको समझाना चाहते हैं कि प्रभु ईश्वर पिता ईश्वर जो हमारा चरवाहा है, जिसकी हम भेड़ हैं, जिसके भेड़शाला के हम भेड़, हमें कभी भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी और हम कुछ सीमित दायरा के लिए चुने गए लोग नहीं। हमें कुछ जीवन में बहुत बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ ऐसा करना है जो लोगों के सोच और समझ से बाहर हो। मेरा एक फेवरेट प्रार्थना है जो मैं अक्सर करता हूँ, आप लोगों ने सुन रखा होगा, तू राजाओं का राजा है और मैं तेरा पुत्र हूँ, इसलिए मैं युवराज हूँ। तूने ये मुझे इसलिए रचा है कि मैं इतिहास में योगदान कर सकूँ। नॉर्मल काम के लिए हम लोग नहीं चुने गए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। समस्या क्या है कि मेरा डीएनए नॉर्मल नहीं। डीएनए नॉर्मल नहीं होने का मतलब समझे कि हम यीशु के लहू के द्वारा चिने गए, खरीदे गए हैं और मेरा जो पिता है वो ईश्वर है। और इत्तेफाक देखिए, मेरे संसारिक पिता का नाम भी ईश्वरी ही है, इसलिए दोनों ही मैच करता है। तो नॉर्मल काम करने के लिए हम लोग आए ही नहीं है। क्यों? तो जो हमारा चरवाहा है, जो हमें गाइड करता है, जिस भेड़शाला में हम रखे जाते हैं, वो नॉर्मल गडेरिया नहीं है, वो नॉर्मल चरवाहा नहीं है। वो कौन है? वो ईश्वर है। हालेलुया।
वो ईश्वर है और हम उसकी प्रजा है। हालेलुया, हम उसकी प्रजा है। अगर इस बात को हम याद रखें, अगर हम निरंतर याद रखें कि पिता ईश्वर मेरा पिता है और वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत सामर्थी है, वो बहुत प्रज्ञावान है, उसके पास बहुत धन है। एक वचन में कहता है कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है। एक वचन में कहता है कि किसी काम को अगर मैं करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है। एक वचन में कहता है कि मैं जो हूं सो हूं। उसके बच्चे हैं हम लोग। तो जब हम उसके बच्चे हैं और हमें पता है कि हमारा पिता ईश्वर बहुत शक्तिशाली, बहुत सामर्थी है, तो हमें गलत करने की जरूरत नहीं। हालेलुया, गलत करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि दुष्टता का काम, छल प्रपंच का काम, जल्दी से धनी बनना है ऐसा कोई काम, गलत मार्ग चुनने का काम, ये सारे लोग वो लोग करते हैं जिनको ये यकीन नहीं है कि हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेर हैं। चराई मतलब समझते हैं, जो जमीन उसने निर्धारित कर रखा है कि जो जमीन जब उसने पहले से ही हमारे चरने के लिए, हमारे जैसे भेड़ होता है या बकरी होता है या गाय होता है, तो उसका मालिक क्या करता है? आप देखे होंगे कि उसका मालिक उसको अपने ही खेत वेत में छोड़ देता है, जो बड़े लोग होते हैं, और ये है कि ये पूरा खेत मेरा है, जाके चर लो, चराई स्थान। तो उसके गाय को, उसके बैल को, उस भैंस को, उस बकरी को ये पता होता है कि मेरे मालिक के पास बहुत सारा जगह है, हमको किसी और के खेत में जाने की जरूरत नहीं है, हमको कहीं और चरने की जरूरत नहीं है, मेरे मालिक के पास है, हम तृप्त हो जाएंगे और इतना खाएंगे कि सोच भी नहीं सकते। तो ये जिसको कॉन्फिडेंस होगा वो शॉर्टकट रास्ता अख्तियार नहीं करेगा। जिसको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा प्रभु ईश्वर है, अगर मेरे विवाह की योजना उसने बना के रखी है तो पति भी मेरे पास लाएगा, अब वो तिगड़म भड़ा के भेड़ा के शादी नहीं करेगा, सिटिंग नहीं करेगा, वो वेट करेगा। जिसको पता है कि मेरा पिता ईश्वर गर्भ का आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो तिगड़म भिड़ा के गर्भ का आशीष धारण करने का कोशिश नहीं करेगा। जिसको पता है कि मेरा पिता ईश्वर बोला है कि हम तुम्हें नौकरी का आशीष देंगे, उसको घूस देके नौकरी लेने की जरूरत नहीं। हालेलुया, उसको कुछ गलत सही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जो सर्वशक्तिमान है, एक गाना था ना कि वो सर्वशक्तिमान है, क्या लाइन है उसका? नहीं, ये एक गाना का लाइन है ना कि वो क्या है कि हाँ, वो गाने का लाइन है, गाओ तो एक लाइन इस गाने को, गुनगुनाओ तो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। अगर ये बार बार हमारे अंदर से आवाज आता है कि प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, आप लोग जहां से भी हैं इस लाइन को दोहराइए कि प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। अगर प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, इसका मतलब कि ईश्वर लाइव है और वो सबसे शक्तिशाली। अगर इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और इस बात का रिपीटेशन से अलावा हमको ये एहसास है कि प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है,
तो मुझे कुछ गलत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे टेढ़ा चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे धूर्तता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे किसी का धन छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे प्रॉपर्टी को खींचने के लिए मुझे तिगड़म बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? तो हम जानते हैं कि ईश्वर हमारा जीवित है और सर्वशक्तिमान है और उसके चराई के हम भेड़ हैं। हालेलुया, हम उसके चराई के, मतलब वो जो मैदान हमारे लिए नियुक्त किया है वहीं हमको चर लेना है। तो हमारे चरने के लिए, हमारे भोजन करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और ये बात बाइबल में एक व्यक्ति को पता था जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो दाऊद। वो जानता था, क्या जानता था? प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। ये बात उसको हमेशा ज्ञान रहता था कि प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चढ़ाई की भेड़ है। इसलिए वो अपना काम खुद से नहीं करता था और इसी प्रज्ञा से भर के और इसी गुण का अनुकरण करके, इसी चीज से भर के उसने काम किया कि एक बार की घटना है कि वो भाग दाऊद बहुत दिन तक भागा करता था और भागने के क्रम में वो किससे भागता था, जो लोग नए हैं मैं उनको बताऊं, दाऊद साउल से भागता था। साउल उस समय का साउल राजा था और दाऊद को वो मारना चाहता था क्योंकि दाऊद के तरक्की से उसको परेशानी था। दाऊद से उसको परेशानी ये था कि दाऊद, उसको डर था कि दाऊद मेरा जगह छीन लेता। और अक्सर हमने देखा है कि आपको जिस बात का डर होता है वो हो जाता है। वो लाइन है ना, जिसका डर था बेदर्दी वही बात होगी, सुने ना आपने? और बाइबल भी यही कहता है कि जिस चीज से आप डरते हैं वो हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई लड़की चीट करने वाली तो क्या करेगा? चीट कर देगा। आपको लगेगा कि आप बीमारी से मर जाएगा तो मर जाएगा। ये प्रवृत्ति है हमारे जीवन का, जो हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, हम इतना ना सोच लेते हैं कि उसको विश्वास में तब्दील देते हैं। अब ये दोनों ही कंडीशन पे, आप अगर अच्छा भी सोच रहे हैं तो वो आप ही के जरिए विश्वास में तब्दील हो रहा है, और आप बुरा भी सोच रहे हैं तो आपके जरिए विश्वास में तब्दील हो रहा है। तो दाऊद भागता रहता था साउल से, और साउल अक्सर जब पता होता था साउल को कि दाऊद कहाँ है तो पीछा करने पहुंच जाता था। एक दिन घटना ये घटी कि दाऊद महाराज भागते भागते पहुंच गए एक जगह पे और वहां रहने लगे। रहते समय साउल को यह जानकारी हो गई और साउल क्या किए कि दाऊद का पीछा करते करते वहां पहुंच गए। और अकेले नहीं पहुंचे, वो कैसे पहुंचे? दाऊद जहां भाग के गया था, हालांकि उस नाम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नाम वाम बताने में हम बिलीव भी नहीं करते हैं कि नाम से क्या मतलब है। आपको सरान से मतलब है, कहानी क्या कहना चाहता है इससे आपको मतलब। उस जगह पे जहां गया था उसका नाम जीपी, और जीपी में जाके वो रह गया और जिस पहाड़ पे रहा उसका नाम था हकीला, इसीलिए नाम नहीं बताते आपको। मेरा उच्चारण टाइम खराब होता है, आपको भी याद रहेगा नहीं। तो थीम समझिए कि दाऊद महाराज छुप गए थे। दाऊद के साथ कुल लोग 600 लोग चलते थे जब भागता था दाऊद, तो उस समय उस दिन उसके साथ 600 लोग थे। कितने लोग थे? 600 लोग। क्योंकि कोई भी राजा बनने वाला हो या कोई राजा है तो वो अकेले नहीं घूमता, एक प्रवृत्ति है कि उसके साथ कुछ लोग घूमते हैं। तो 600 लोग थे। और ये जब साउल को पता लगा कि दाऊद फलाने जगह पे है, जो जहां का नाम मैंने आपको लिया, तो
साउल क्या किया कि कुछ लोगों को लेके चला गया और थोड़ा लोग नहीं लिया। पढ़िए भाई 26 का 2। पहला सामुएल 26 का 2। तब साउल उठकर इसराइल के 3,000 छांटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे। बेचारा दाऊद के पास 600 आदमी था और ये साउल महाराज क्या किए कि 3,000 छांटे हुए लोग, मतलब सेलेक्टेड पीपल, लेके गए दाऊद को मारने के लिए, है ना, और लेके जीप के जंगल में ढूंढने चले गए। घटना क्या घटी कि दाऊद को ये पता हो गया, उनके पास भी लोग था, वो गुप्तचर भेज के देखा कि साउल कहाँ है, तो साउल एक जगह तंबू में सोया हुआ था। तो दाऊद अपने एक साथी से बोला आधी रात को, सुनिएगा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, जब सारे लोग सो गए वो अपना एक गुप्तचर भेजा, पता किया, गुप्तचर जाके बोला कि हाँ साउल आया हुआ है और साउल यहीं है, बताया कि 3,000 लोग के साथ आया हुआ है। तो ये पहाड़ से उतरा और पहाड़ से उतर के एक थोड़ी दूर पे खड़ा हो गया और इसके साथ कुछ लोग थे, 600 लोग में से 2-3 लोगों को साथ में लेके आया था। तो ये बोला कि मेरे साथ छावनी में कौन चलेगा, सुनते रहिए, ये इसके पास 2 या 3 आदमी और साउल इसको मारने आया है, कॉन्फिडेंस देखिए बंदे का, है ना, और वहाँ साउल है और ये दाऊद ये पूछ रहा है अपने ही लोगों से कि साउल के छावनी में कौन चलेगा। ये कॉन्फिडेंस क्यों है उसको, ईश्वरीय शक्ति उसके साथ काम करता है। जिसको ये पता हो, कौन सा लाइन पता हो, क्या गाना गाए थे हम लोग, प्रभु हमारा जीवित है सर्वशक्तिमान है, ये दाऊद को पता था। दाऊद के पास 600 लोग, बहुत गंभीरता से समझिएगा, दाऊद के पास सिर्फ 600 लोग और 600 में लोग में से बहुत सारे लोग छावनी में हैं। दाऊद 3-4 आदमी के साथ निकला और साउल के छावनी में प्रवेश करना चाहता है, कॉन्फिडेंस देखिए क्यों, तो प्रभु हमारा जीवित है सर्वशक्तिमान है, हम उसके चराई के भेड़ हैं, वो हमारा मालिक है, मेरा कुछ हो नहीं सकता, डरा ही नहीं बंदा। अब जिससे पूछ रहा है उसका भी कॉन्फिडेंस देखिए, अगर आपका कैप्टन कॉन्फिडेंस से भरा हो, उत्साह से भरा हो, अभिषिक्त हो, तो आपको भी डर नहीं लगता, आप भी चले जाइएगा कहीं। तो उसने अपने एक बच्चे से पूछा कि भाई चलेगा मेरे साथ, 6 पढ़िए, छब्बीस का 6। तब दाऊद ने हिती अहीमेलेक और सरुया के पुत्र योआब के भाई अबीशय से कहा, मेरे साथ उस छावनी में साउल के पास कौन चलेगा। अबीशय ने कहा, तेरे साथ मैं चलूंगा। एक बंदा था उसमें अभिषेक, वो बोला कि ठीक है हम चलते हैं। 2 आदमी, दाऊद और अभिषेक जो भी नाम है, वो दोनों साउल के बेडरूम में प्रवेश करना चाहता है, सोचो, है ना, और उसके इर्द गिर्द 3,000 लोग, वो भी छटे हुए लोग, सेलेक्टेड सैनिक खड़े हैं और मारने किसको आया है साउल, दाऊद को ही, और दाऊद खुद उसी के खेमे में प्रवेश कर रहा है। क्यों, तो वो जानता था कि प्रभु हमारा साथ है, मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। और वो गया, और गया तो ऐसे वैसे नहीं गया, सीधे पहुंचा किसके पास, तो साउल के रूम में, और साउल महाराज सोए हुए थे, सोते देखा और बोला अच्छा। तो इसके साथ जो बंदा गया था वो देखा कि साउल जब सो रहा था तो उसका जो सीन था, सोने का सीन था कि साउल अपना खराटा लेके सो रहा है और जितने बाकी के पब्लिक हैं 3,000 सैनिक है वो भी सो रहा है, सब सो रहा है,
और क्यों सो रहा है। जब मैं समझने का कोशिश किया कि भैया जब वहां गया होगा तो दाऊद भारी भरकम आदमी था, हिला डोला, सरसड़ाहट हुई, सब कुछ हुआ, तो 3000 लोग था, 3000 में एक आदमी भी जगा क्यों नहीं, क्यों नहीं जगा, जग जाना चाहिए था, दाऊद को पकड़ लेना चाहिए था। ये इतने कॉन्फिडेंस से भर के गए तो हुआ क्या कि ये लोग मदिरा पी के सोया था, दाखरस पिया था, इतना ओवरलोडेड कैसे हो गया ये लोग कि राजा की सुरक्षा का चिंता ही नहीं रहा। उसका आंसर सुनिए, जब अगर आप कॉन्फिडेंस से भर के काम करिएगा, जब आपको ये ज्ञान रहेगा, क्या ज्ञान रहेगा, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, तो वो काम करने लगता। जैसे कल सिस्टर एस्थर आई थी, वो एक टॉपिक को लेके आई थी, शिकायत नहीं करना, और बहुत पहले प्रार्थना योद्धा की तरफ से एक चीज लगाया गया है कि शिकायत करो वहीं रहो, महिमा करो आगे बढ़ो। हालेलुया, यूट्यूब में आप जाइएगा तो देखिएगा कोटेशन डाला जाता। वैसे ही एक और चीज लगाया गया है हमारे यहां से कि अगर आप विश्राम करेंगे तो ईश्वर काम करेगा, और आप अगर काम करेंगे तो ईश्वर विश्राम करेगा। हालेलुया, तो वहां क्या था, वहां दाऊद विश्राम कर रहा था, कॉन्फिडेंस में था कि ईश्वर मेरा काम कर रहा है। और कैसे काम किया, जब ये प्रवेश किया तो क्या किया ईश्वर ने, देखिए लिखता है पहला सामुएल 26 के 12 में, आधे से पढ़ते हैं, किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जगह, आधा से पढ़ा चुके, आधा वचन दूसरा बात बता रहा है वहां, किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जगह। अरे भाई क्यों नहीं जगा, तो लिखता है क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। किसकी ओर से, यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। ईश्वर को पता था, यहोवा को पता था कि दाऊद जा रहा है साउल के पास, सबको सुला दो, वही जिसने आदम का ऑपरेशन करने के समय में सुला दिया था, यहां भी सबको सुला दिया। अब दाऊद खड़ा है साउल के सामने, साउल गहरी नींद में सोया हुआ है, उसके 3000 पब्लिक सारे गहरी नींद में सोए हुए हैं। मैं आश्चर्यचकित था, बाद में मुझे आंसर मिला कि इसको सुला कौन दिया, तो जिसको ईश्वर ही सुला दिया उसको कौन जगाएगा भाई, है ना। अब गहरी नींद में ईश्वर डाले हुआ है और साउल के सामने दाऊद खड़ा है और दाऊद के साथ उसका एक चेला भी खड़ा है। गॉसिप सुनिएगा, अब जो वो बंदा जो इसके साथ गया था वो बोला बहुत अच्छा मौका है भाई, निपट देते हैं इसको, भाला तो इसी का इसके बगल में है, ऐसा मारते हैं कि जमीन के नीचे भाला आर पार करके चला जाए, दोबारा इसको सांस लेने का भी जरूरत नहीं पड़े, बहुत साल से तुमको मारना चाहता है, आज इसका निपटारा ही कर देते। हालेलुया, क्या करते हैं, आज इसका निपटारा कर देते। देखिए दाऊद को फिर वही याद आया, क्या याद आया रोहित भाई, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, हम उसके चराई के भेड़ हैं, हमको अपना तिगड़म भिराने की जरूरत नहीं है। और उसके मुंह से एक लाइन निकला, क्या निकला रोहित भाई बताएंगे, पढ़िए रोहित भाई। सात आठ और नौ, पहला सामुएल 26 का 7 8 और 9। अतः दाऊद और अबीशै रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि सौल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है और अबनेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआ भूमि में धस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़े। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर
क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। हालेलुया। देखिए कितना कॉन्फिडेंस, इसको पता था कि जब तक साउल मरेगा नहीं हम राजा बनेंगे नहीं। उस अंधेरी रात में सब सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे, दाऊद को यह अपॉर्चुनिटी मिला। और जब आप बाइबल को पढ़िएगा तो दाऊद को ऐसा अपॉर्चुनिटी कितनी बार मिला, यहां भी अपॉर्चुनिटी मिला और दाऊद किससे भाग रहा था। आदमी ईमानदार कब होता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता। जो मैं बताता हूं कि आपको जब तक चोरी करने का मौका नहीं मिले तब तक आप चोरी नहीं कर रहे, इसका मतलब आप ईमानदार थोड़ी हैं, आपको मौका नहीं मिला। जब आपको चोरी करने का मौका मिले और कोई नहीं देख रहा हो फिर आप चोरी नहीं करिए, तब ईमानदार हैं। हाँ या नहीं। दाऊद को मौका मिला, इसके दोस्त इसके जो सहयोगी थे ये बोल भी रहे थे कि रोज रोज का सियप्पा खत्म करते, ये रोज रोज का झंझट खत्म करते, इसी से भाग भाग के हम लोग थके हुए हैं, इसको मारो, फिनिश करो और ऐसा मारो कि दोबारा मारने की जरूरत नहीं पड़े और अपना हथियार भी यूज करने का जरूरत नहीं है, ये तो इसी का भाला पीछे टंगा हुआ है, यही से इसी के भाले से इसी को मार देते हैं। दाऊद बोला नहीं, कभी भी ये गलती नहीं करना, कभी भी ये गलती नहीं करना। क्या नहीं करना, तो कभी भी ईश्वर के दास को, ईश्वर के अभिषिक्त को, जिस पे अभिषेक पड़ा हो ईश्वर का, जिस पे ईश्वरीय छाया पड़ गई हो, जिस पे ईश्वरीय कृपा हो गई हो, उसको हाथ नहीं लगाना, नहीं तो तुम बचोगे नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हारा काम हो जाएगा। इसने अगर गलत किया है, इसने अगर कुछ बुरा किया है तो इसको इसी की मौत नहीं था। आज हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी समस्याएं आती है, हम ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं, पहले ही भटकते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, कहानी रच देते हैं, हर बात के पीछे कहानी होता है, हर समस्या के पीछे कहानी होता है, हर झूठ के पीछे कहानी होता है। हम अपने अपराध को छुपाने के लिए, प्रभु के शिक्षा और आज्ञा के विरुद्ध जाने के लिए हम कोई ना कोई कहानी रच देते हैं। हमारे यहाँ जब लोग आते हैं कहते हैं भैया घूस नहीं लेना चाहिए, आप समझते नहीं है, जिस डिपार्टमेंट में हम रहते हैं उसमें घूस लेना अनिवार्य है, नहीं रहेंगे तो लोग हटा देगा। हालेलुया। आज इतना ज्यादा करप्शन हो गया है और वो सब लोग ईश्वर को जानने वाले लोग हैं। यहां लोग आता है मेरे पास, रिक्वेस्ट लिखता है भैया फलाने डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए 50,000 रुपया घूस देना है, ईश्वर क्या कहता है। कि क्या रिक्वेस्ट है यार, ईश्वर कैसे बोलेगा घूस दे दो जाकर, और पूछता भी किससे, तो हम ही लोग से। और क्या बोलेगा बाद में, हम अपने मन से थोड़े दिए थे, अगुवाई हुआ था। बताइए, चोरी करने के लिए अगुवाई मांग रहे हैं, ईश्वर का नियम तोड़ने के लिए ईश्वर से ही अगुवाई मांग रहा है, अरे गजब क्यों है ना। हमारे यहां कुछ बच्चे आते हैं बोलते हैं भैया सीधे तौर पे नौकरी होता ही नहीं है। मैं नाम गिनाता हूं, मैंने कहा नीरज की नौकरी हुई, भूषण की नौकरी हुई, कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने 1 रुपया घूस नहीं दिया है। घाघरा की कोई बच्ची है, वो जेपीएससी में निकाली है 1 रुपया, वो भी अचानक से मेरे पास अशोकनगर ऑफिस में आई, बोली भैया हमको तो लगा कि घूस देना पड़ेगा लेकिन कहीं घूस नहीं हुआ और हम ऑफिसर हो गए। मैंने कहा जा बहन। ऐसे सैकड़ों लोग मेरे पास हैं जिनको कहीं घूस देने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक बच्ची है यही सामने स्कूल में पढ़ाती है, उसको भी घूस देने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त है तो प्रभु आपकी मदद करेगा, आपको तिगड़म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ट्रस्ट काम करने लगेगा। आपका ट्रस्ट क्या है, काम करने लगेगा। आप अगर किसी लड़की को सच में चाह रहे हो तो उसको तिगड़म भिड़ा के शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु लाके उसको गोद में पटक देगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी, पटक दिया लाके, ये लो शादी करो निकलो लेके जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दाऊद इस बात को जानता था और बाइबल के सारे कैरेक्टर इस बात को जानते थे जो आशीषित थे। यूसुफ यही तो जानता था,
इसीलिए पोतीपर की पत्नी को रिलीज कर दिया, जाने दिया, कहीं भैया नहीं, 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 नहीं। जबकि वो ऑफर दे रहे थे एकदम खुला ऑफर कि भैया खाओ पियो मस्ती से रहो, यहाँ मालिक बन के रहो, सारा सुख सुविधा उपलब्ध रहेगा। बोला ना ये गलती नहीं करेंगे। हर जगह यूसुफ को यही चीज मिलता था लेकिन उसने गलती नहीं करी। आपको मैंने उस दिन बताया कि पौलुस को भूकंप होने के बाद जेल टूट गया लेकिन वो भागा नहीं, वो रुक गया वहां, वो रुका, उसको मौका मिला वो भागा नहीं, वो रुक गया वहां। आपको रुकना पड़ेगा अगर आपको विश्वास है। क्या विश्वास है? क्या विश्वास है? प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, हम उसके चढ़ाई के भेड़ हैं, वो सारा इंतजाम उसने हमारे लिए करके रखा है। यही काम अब्राहम ने किया था। जब लूत और अब्राहम की बात हुई, लूत ने अब्राहम और लूत के सर्वेंट में झगड़ा होने शुरू हो गया। लूत से कहा जा भाई तुमको जो चुनना है चुन ले, क्योंकि अब्राहम को विश्वास था। क्या विश्वास था भाई? प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, हम उसके चराई के भेड़ हैं, वो हमारा चरवाहा है, हमको कहां चरना है, कहां खाना है, कहां पीना है, कहां रहना है हम जानते हैं। सिस्टर एस्तर के जीवन में हजारों लोग आए, लाखों लोग आए, कितना सारा उतार चढ़ाव आया, लोग धमकाया, लोग अच्छा बोला, लोग बुरा बोला, लोग सही बोला, लोग गलत बोला, इनको क्या यकीन था रोहित भाई? प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, हम उसके चराई के भेड़ हैं। चरा रहा है ना प्रभु? चरा रहा है कि नहीं चरा रहा है? चरा रहा है। कोई आया, कोई नहीं आया, कोई रहा, कोई नहीं रहा, कोई दिया, कोई नहीं दिया। कभी भी प्रार्थना उद्धव परिवार बोल के दशमांश नहीं लेता है या रसीद यहां नहीं कटता है। जितने लोग यहां से जुड़े हैं सबको पता होगा, यहां दशमांश के बारे में सिखाया भी जाता है कि दशमांश देना अनिवार्य है, दान देना अनिवार्य है, लेकिन साथ में एक टॉपिक सब बच्चे बताते हैं, आप प्रार्थना कर लो, आपको प्रभु जहां प्रेरित करता है वहां दो। हालेलुया। कभी भी नहीं बोलते हम लोग यहां आओ, यहां करो। जब लोग पूछता है कि भैया किसके पास जाएं, हम लोग कहते हैं कि प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा के फल और दान को पहचानिए, सेवक को परखिए, तब कहीं जाइए, उस पैमाने में हमको भी डालिए। हालेलुया। उस पैमाने में मुझे भी डालिए। अगर आपको लगता है कि प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, सिस्टर एस्तर के साथ है, तब आइए, अदरवाइज यहां मत आइए, मेरा भी टाइम खराब होगा, आपका भी टाइम खराब होगा। शिक्षा जो है, प्रभु का जो आदेश है, प्रभु की जो इच्छाएं हैं, प्रभु की योजनाएं हैं, अगर आप विपरीत परिस्थिति से उससे भटक जा रहे हो, इसका मतलब कि आपको उस पर विश्वास नहीं है। आप मुंह से जरूर कह रहे हो कि प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, भाई 10,000 रुपया ले ले, नौकरी दिला दे, इसका मतलब क्या है? कैसे जीवित है? आप तो अपने से 10,000 रुपया दिए है ना, आप हर काम में सुविधा शुल्क दे रहे हैं, हर चीज में अपना माथा घुमा रहे हैं, ब्रेन लगा रहे हैं, घर चलाने में भी ब्रेन लगा रहे हैं, दुकान चलाने में दिमाग लगाए हुए हैं, गलत कूटनीति किए हुए हैं। कल अभी बहुत सारा चीज मैंने अमित भाई को दिया है पोस्ट करने के लिए, उसमें से एक वचन मैंने ये भी दिया इनको, नीति वचन और प्रवक्ता ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ और प्रवक्ता ग्रंथ से दोनों से वचन डलता है हमारे यहां। जो कुटिल है, क्या है? जो कुटिल है उससे ईश्वर नफरत करता है। क्या करता है? नफरत, घृणा आती है ईश्वर को। जो लोग कुटिल है, जो मन के कुटिल है, उससे ईश्वर को घृणा आती है, नफरत करता है, हेट करता है। इतना वैसे वैसे लिखा है, अभी भाई पोस्ट भी करेंगे, ऐसे लिखा है कि मैं पढ़ के ना सिहर जाता है, मन हिल जाते हैं हम लोग। ईश्वर घृणा करता है, वो दयालु पिता घृणा करता है, उसको भी नफरत आती है किसी से। हाँ आती है नफरत उसको, वैसे लोगों से नफरत आती है जो कुटिल है, जो घृणा, जो ये करते हैं, कुटिलता की बातें करते हैं, जो इधर का बात उधर करते हैं, उनसे उसको घृणा आती है। आपको यकीन है कि ईश्वर काम कर रहा है
तो आपकी विपरीत परिस्थितियां हैं, आप शांत रहिए, ईश्वर को काम करने दीजिए। साउल ईश्वर को काम करने नहीं दे रहा था, साउल खुद से दाऊद को हराना चाह रहा था। इसी चक्कर में साउल पर से जो प्रभु का आत्मा था वो उठ के कहां चला गया? दाऊद पे। और दाऊद कहीं भी जाता था ईश्वरीय कृपा होने लगी, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति आई दाऊद के जीवन में, लेकिन जो काम बाइबल के द्वारा, जो काम ईश्वर के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध, वो कितना भी फायदे का हो, दाऊद ने कभी भी नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके जीवन में काम करे, तो चाहे जितना भी बड़ा लाभ दिख रहा हो, जितना भी बड़ा लाभ दिख रहा हो, लेकिन वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, वो आपको नहीं करना चाहिए। चाहे जितनी भी बड़ी हानि दिख रही हो, लेकिन अगर वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं है, ईश्वर की इच्छा के साथ है, वही करना चाहिए। दाऊद को यहां बहुत बड़ी हानि दिख रही थी, उसका जो सागिर्द था वो समझा भी रहा था कि दाऊद तू कर क्या रहा है, ये अपॉर्चुनिटी फिर तुमको मिलेगी नहीं। दाऊद ने कहा नहीं, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि जो ईश्वर के विरुद्ध जाए, जो ईश्वर के लोगों के विरुद्ध जाए, उसका नाश ना हो। हालेलुया, उसका नाश ना हो। कल मैं एक वचन पढ़ रहा था, उसमें लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ में कि कोई पापी मनुष्य के समृद्धि पे की चर्चा मत करो, पापी मनुष्य के समृद्धि की चर्चा ना करो। ये सारे वचन डल रहे हैं यूट्यूब। पापी मतलब जो गलत तरीका से धन कमा लिया हो, जो गलत तरीका से अपना नौकरी पा लिया हो, उसको बखान मत कीजिए कि वाह 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 क्या तरक्की किया। कुछ तरक्की नहीं किया है, जब तक उसका मृत्यु देख नहीं लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई पापी नहीं है जो मौत के पहले उसको दंड ना दिया गया हुआ। इसीलिए बाइबल कहता है कि अंत बताता है कि मनुष्य कैसा था, मृत्यु बताती है कि मनुष्य कैसा था। क्षणिक कोई समृद्धि कर रहा है, गलत तरीके से पैसे कमा ले रहा है, गलत तरीके से तरक्की कर जा रहा है, गलत तरीके से आपसे ऊपर चला, आप दुखी हो, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। अरे होगा, निश्चिंत रहिए, आपकी भी समस्याएं सुधरेगी, आपके भी जीवन बदलेंगे। बाइबल कहता है कि प्रज्ञा शुरू में टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके लेके जाती है, और जिस दिन यह समझ लेती है कि आप सही में उसको क्यों ढूंढ रहे हैं। प्रज्ञा जो है, ईश्वर का जो आत्मा है, सबसे पहले जब सृष्टि की निर्माण नहीं हुई थी, जब ना यहां वायु था ना धरती था, तो प्रज्ञा का निर्माण करके प्रज्ञा को भेजा गया पृथ्वी पे। हालेलुया, सबसे पहले प्रज्ञा को भेजा गया, प्रभु के आत्मा को भेजा गया, प्रभु के बुद्धि ज्ञान को भेजा गया। यहां वही प्रज्ञा सबसे पहले हम लोग को रिसीव करता है, कैच करता है। आप गए प्रार्थना करने, अब प्रज्ञा प्रभु को बता रहा है, प्रभु ध्यान दीजिएगा, ये आया है फलाने लड़की के चक्कर में, चार संडे आएगा, पांच संडे तक प्रार्थना करेगा, छठा संडे फिर नए लड़की के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देगा, है ना। आप गए, फिर बोला प्रज्ञा जाके प्रभु को, प्रभु ये आया है नौकरी के लिए, है ना। फिर कुछ दिन के बाद, प्रभु ये आया है बच्चा के लिए, प्रभु ये आया है घर के लिए, प्रभु ये आया है बीमारी ठीक कराने। ये प्रज्ञा जो है ना, सबका निकालिए प्रवक्ता ग्रंथ, प्रज्ञा जो है दो या तीन में मिलेगा आप, प्रज्ञा सबको ये चेक करती है, ये मुझे भी चेक करती है, मुझे भी नहीं छोड़ी, आज भी चेक करते रहे, हम लोग भी आज भी चेक होते रहते हैं, सिस्टर स्तर भी चेक होती रहती है, और यही चेकिंग यहां दाऊद का भी चल रहा था। एकदम सामने परोस दिया गया था, किसको? शाऊल को सामने परोस दिया गया था। और मैंने आपको एक और वचन समझाया, नींद में सुला भी दिया गया था बाकी सारे लोगों को, और प्रज्ञा और ईश्वर वाच कर रहा था कि दाऊद सत्य का मार्ग पकड़ता है, दाऊद असत्य का मार्ग पकड़ता है, सब कुछ ईश्वर ने सामने कर दिया था। ये लीजिए, ये लीजिए,
साउल को दे दिया, गहरी नींद में सो दे दिया, भाला भी साथ में दे दिया, अस्त्र भी लाने की जरूरत नहीं है, निकालो और मारो, और तुम्हारे खिलाफ भी कोई बोलने की जरूरत नहीं है। और प्रज्ञा वाच कर रहा है, क्या दाऊद आज ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाएगा या ईश्वर के साथ जाएगा? दाऊद क्या आज क्षणिक हानि समझेगा, लाभ समझेगा, या हानि पे जाएगा, अपना हानि देखेगा और ईश्वर की इच्छाओं को पूरा करेगा, या अपना लाभ देखेगा, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाएगा? प्रज्ञा वाच कर रही थी। दाऊद जीता या हारा? हारा। इसलिए दाऊद हार गया उस समय। क्यों हार गया? वो जानता था कि ईश्वर हमारे पक्ष में है, हमें जीत मिलेगी ही मिलेगी। मिला वो? पढ़िए, प्रज्ञा जब किसी को पकड़ती है तो क्या होता? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 19 से आगे, वह उसमें भय तथा 18 से आगे, प्रारंभ में प्रज्ञा उसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ले चलेगी और उसकी परीक्षा लेगी, वह उसमें भय तथा आतंक उत्पन्न करेगी, वह अपने अनुशासन से उसे उत्पीड़ित करेगी और तब तक अपने नियमों से उसकी परीक्षा करती रहेगी जब तक वह उस पर पूर्णतया विश्वास नहीं करती। हालेलुया। तब तक, जब तक, क्योंकि ये हम लोग पोस्ट नहीं कर पाएंगे, इसमें दूसरा बाइबल फीड है, उसका सॉफ्टवेयर नहीं है इनके पास। ये आपको रोमन कैथोलिक बाइबल में मिलेगा, प्रवक्ता ग्रंथ, और हम लोग के कंप्यूटर में रोमन कैथोलिक बाइबल का सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए पोस्ट नहीं हो पा रहा। प्रवक्ता ग्रंथ पढ़िएगा, वचन बोलिए, नंबर। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 18 और 19। प्रवक्ता 4:18-19 आगे पढ़ लीजिएगा। तो ये सबको चेक किया जाता है, दाऊद को भी चेक किया गया, और दाऊद उस समय हारा। आपको पता है एक बहुत पॉपुलर फिल्म हुई थी, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बताइए सबको याद है ना? हर बार जीतना जरूरी नहीं है, ये मैं बोलता हूं, हर बार जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी हार जाओ। आज मैं किसी को बता रहा था कि शेर भी जब शिकार करता है ना तो 4 कदम पीछे आता है। कभी कभी कुछ नहीं करिएगा ना तो वो बाद में हानि के लिए, लाभ के लिए हो जाएगा। दाऊद क्या किया यहां? दाऊद यहां प्रज्ञा को जीतने दिया, अपने आप को हराया, और अपने आप को हराया, और उसके बाद कहानी क्या हुई समझिए। दाऊद बोला कि नहीं, हम ईश्वर के अभिषिक्त को नहीं छोड़ेंगे, छुएंगे, क्योंकि आज तक, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कोई भी निर्दोष नहीं ठहरा है। हम इसको मारने के चक्कर में ईश्वर को अपना दुश्मन नहीं बनाएंगे। और उसके आगे कहता है कि दाऊद ने कहा, 10 पढ़िए, पहला सामुएल 26:10, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, यहोवा लड़ाई में जाकर मर जाएगा। कह रहा है कि, उसको समझा रहा अपने असिस्टेंट को दाऊद कि तुम चिंता नहीं करो, मैं जानता हूं अपने ईश्वर को। कैसे नहीं जानता होगा, बचपन से उसके सामर्थ को देख रहा था, वो देख रहा था कि वो चरवाहा था, बकरी भेड़ चराता था, उसको यहां तक पहुंचाया था, उसको तो संदेह ही नहीं होगा, तनिक इतनी सी भी संदेह नहीं होगी उसको ईश्वर पे, यहोवा पे। वो कहा कि तुम मत चिंता करो, ये अपनी मौत मरेगा, और ऐसे मरेगा ये कि ईश्वर इसको खुद ही मारेगा, मुझे मारने की जरूरत नहीं है। और वहां क्या एक घटना घटती है कि वो दाऊद का भाला है, साउल का भाला, और उसके बगल में जो सुराही रखा हुआ था, राजा जब रात में जगे तो पानी पिए और कोई आक्रमण करे, इसके लिए अस्त्र शस्त्र राजा का साथ में रहता है, तो वो भाला और सुराही लेकर निकल गया। वहां से निकल के थोड़े से दूरी पे गया, और इतनी दूरी की मान लीजिए जैसे यहां से चर्च तक, जहां तक साउंड आदान प्रदान हो सके वहां चला गया, और जाके चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते किस पे चिल्ला रहा है, तो इनके सेनापति के ऊपर चिल्ला रहा है, और कैसे भड़का रहा है। सो सुनिए, दाऊद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है इसको कि तू कैसा सेनापति है कि तू अपने राजा की रक्षा नहीं कर सकता है। अब साउल तो दाऊद की आवाज को पहचानता था, बहुत दिनों तक साथ में काम किया था,
तो दाऊद साउल पहचान गया कि तो दाऊद की आवाज है। तो ये साउल दाऊद साउल को समझाता है। और देखिए कितना कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है कि ईश्वर आपका शक्तिशाली है, वो क्या लाइन है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, हम उसके चराई के भेड़ है। अगर आपको विश्वास है ना, तो आप अपने दुश्मनों से भी प्यार से बात कीजिएगा, उसको भी आदर करिएगा। कैसे कीजिएगा आप देखिए, कितना इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं। लिखता है कि 17 पढ़िए, पहला सामुएल 26 का 16 और 17। जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं, यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुम ने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। अब देख, राजा का भाला और पानी की सुराही जो उसके सिराहने थी वे कहाँ हैं? तब सौल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। यहां तक देखिए, साउल कह रहा है बेटा, और दाऊद कह रहा है हाँ प्रभु राजा मैं हूं। कितना इंटरेस्टिंग, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए ढूंढ रहा है, जो जिसके पल्ले पड़ेगा वो उसको मार देगा। लेकिन मधुरता देखिए टपक रहा है दोनों का, एक एक दूसरे को बेटा कह रहा है, दूसरा प्रभु स्वामी राजा कह रहा है। हम लोग किसी से चीनी के लिए झगड़ा हो जाए, एकदम बाल उखाड़ उखाड़ करते हैं, कोई किताब नहीं दिया 15 दिन तक मुंह फुला के रखे हुए, कोई फोन नहीं दिया बात करने के लिए 16 दिन तक मुंह बना के रखे हुए, सास ससुर में कुछ हो नहीं गया तब तक एकदम पूरा बर्तन आवाज आ रहा है किचन में, धड़ धड़ा धड़ धड़। यहां पूरा राज्य का आदान प्रदान होने वाला है, जो जिएगा वही राजा होगा। फिर भी दोनों से विनम्रता का भाव देखिए, एक दूसरे को प्रभु और एक दूसरे को बेटा कह रहा है। अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है, ईश्वर के कार्य पे विश्वास है, तो आपका भाषा भी नहीं बदलेगा, आपकी मधुरता नहीं जाएगी। क्योंकि आदमी मधुरता कब जाता है, जब वो इरिटेट होता है, टेंशन में होता है। जब वो टेंशन में आएगा तो कुछ क्या कुछ बोलता है, तो टेंशन में तभी आइएगा ना जब आपका विश्वास नहीं होगा, आप चिंतित हो जाइएगा कि भविष्य मेरा क्या होगा। दाऊद यहां चिंतित ही नहीं था, अगर चिंतित रहता तो पहले साउल को मार देता, वो अपना चिंता का जो सामग्री था उसी को समाप्त कर देता। और फिर उसके बाद उसने कहा कि प्रभु आप मेरे हाथ में आ गए थे लेकिन मैंने आपको मारा नहीं। किसको समझा रहा है, साउल को, कि प्रभु आप मेरे हाथ में आ गए थे मैंने आपको मारा नहीं, इसका प्रतिफल आपसे नहीं चाहिए हमको, इसका प्रतिफल हमको किससे चाहिए, ईश्वर से चाहिए। हालेलुया। और इसी घटना पे साउल के मुंह से आवाज निकल गई कि साउल कहने लगा कि हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। साउल इसी घटना पे साउल के मुंह से निकल गया कि मैं इसके हाथ में आ गया, ये मेरे बगल का भाला ले गया, सुराही ले गया, ये चाहता तो मुझे मार देता, लेकिन ये सच में ईश्वर का बंदा है, किसी भी हालत में ईश्वर के खिलाफ नहीं गया, और ये भी मानता है कि ईश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर था, अभी है चाहे नहीं है लेकिन एक समय के लिए था, और इतना सम्मान करता है, ये सच में धर्मी व्यक्ति है। अगर ये धर्मी है तो ईश्वर की कृपा इस पे होगी। और वो उसके मुंह से निकल गया कि तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। अगर आज ये वचन मैं आपको बता दूं, पहले पढ़िए, पहला सामुएल 26 का 25 नहीं नहीं 26 का 25 नहीं 21 से 25। सौल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद, लौट आ, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की
और मुझसे बड़ी भूल हुई। दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, भाले को देख, कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित ना समझा। इसलिए जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। सौल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा बड़ा विशाल काम करिए और कभी भी जीवन में असफल नहीं हुई, अगर असफलता आए भी तो क्षणिक आए, कुछ टाइम्स के लिए आए, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा कामयाबी मिले, तो उसका एक ही मूल मंत्र है कि आपको हमेशा ईश्वर पे यकीन रखना होगा। और चाहे जितनी बड़ी लाभ की बातें क्यों ना हो, जैसे आपको मैंने बताया ना कि अब्राहम को दिख रहा था कि लूत उसका सब कुछ लेके चला गया, फिर भी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं गया। यूसुफ को लग रहा था कि अगर हम यहां इन लोगों के साथ जुड़ के नहीं रहे तो जेल चले जाएंगे, फिर भी वो ईश्वर के विरुद्ध नहीं गया, जेल जाना पसंद किया। अब्राहम सब कुछ लूत को देना पसंद किया लेकिन ईश्वर के विरुद्ध नहीं गया। हालेलुया। यहां दाऊद भी यही काम कर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाए तो हो जाए, मुझे अभी एक साल लगे राजा बनने में, 10 साल लगे राजा बनने में, या जितना दिन लगे राजा बनने में, जो मुझे चरवाहा से उठा के यहां लाया है वो मुझे राजा तो बना देगा, समय वो जानता है, मैं गलत तरीके से राजा नहीं बनूंगा, मैं गलत तरीके से वहां नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि गलत तरीके से पहुंचने पर वो अस्थाई नहीं होगा, अस्थाई होगा, क्षणिक सुख अस्थाई होता है। और ये बात इसलिए उसने करी कि वो जानता था कि ईश्वर शक्तिशाली है, उसके चराई का वो भेड़ है, उसको कभी भी कुछ हानि नहीं हो सकती है, हमेशा उसने ईश्वर ने दाऊद का ख्याल रखा है, आगे भी रखेगा। और ये बात जब साउल को समझ में आ गया तो साउल जो इतना बड़ा दुश्मन था उसने भी कहा कि दाऊद, जिस रास्ते में तुम चले हो तू बहुत बड़े बड़े काम करेगा, तू बहुत बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि तुम्हारा काम करने का तरीका ईश्वरीय तरीका है, और ईश्वर जो काम करेगा, ईश्वर जितना बड़ा काम कर सकता है और करा सकता है उतना तो तुम नहीं कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सफल हो, बहुत बड़ा बड़ा काम करें, बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिले, आप शिखर तक जाइए, मार्ग चुनना होगा आपको ईश्वरीय मार्ग। सकड़ा है वो मार्ग जो कहां ले जाता है, जीवन की ओर। चौरा है वो जो मार्ग कहां ले जाता है, मृत्यु की ओर। हम लोग जो गाना गाते हैं ना, दुनिया में दो कोई डहर है ना, कौन डहर जाइबे, है ना। ये चुनाव हमारा हमेशा होना चाहिए, अक्सर होना चाहिए। और आज विश्वासी भाई लोगों को प्रभु यही आह्वान कर रहा है कि अगर आपको विश्वास है, अगर आपको यकीन है कि ईश्वर आपका शक्तिशाली है, आप उसके भेड़ हैं, वो आपका चरवाहा है, जो सारा जगह लिखे हुए हैं, हर जगह जा रहे हैं, बोल रहे हैं, गाड़ी पे लिख रहे हैं, तो अपनी बुद्धि को विराम दीजिए, उसको काम करने दीजिए, चाहे जितनी भी बड़ी हानि हो रही हो लेकिन ईश्वरीय मार्ग चुनिए, चाहे जितना भी बड़ा लाभ हो रहा हो ईश्वर के मार्ग से मत भटकिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें कि हे पिता, हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं
प्रभु आज तूने हम सिखाया कि हम किसी भी अवस्था में तेरी शिक्षाओं तेरी आज्ञाओं का पालन करें प्रभु, और तू हमारे माध्यम से बड़े बड़े कार्य करेगा। हम धैर्य के साथ धीरज के साथ इंतजार तो करें और आपकी शिक्षाओं और आज्ञाओं को पकड़ के रहें प्रभु। वर्तमान परिस्थिति चाहे आज हमें डरा रही हो, रुला रही हो, हतोत्साहित की हो, लेकिन अगर हम प्रभु के मार्ग में बने हुए हैं, प्रभु को पकड़े हुए हैं, तो हम ऐसे काम करेंगे जैसा कोई नहीं किया होगा, क्योंकि हम नहीं, हमारे माध्यम से ईश्वर करने वाला है। ये प्रभु आज हम सबको विश्वास का वरदान दीजिए, आज प्रभु हम समझ सकें कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और हम उसके चराई के भेड़ हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कीजिए। वही हमारा रक्षक है, वही हमारा शरणशिला, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारा शरणशिला, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा शरणशिला, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। हे दयालु पिता, जितने तरह बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। कर्लूश, जैस्मिन, कलरा, वंशराज, सुशीला, लॉरेंस, फुलमनी, धीरेन, बुधानी, अनूप, अनुपम, दिव्या, दीपा, दिपेश, सुनील, वैन, दित्ता, ऑरेंज, शांति, किरण, जो लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ललित, निर्मल, ज्ञान, शालो, अनिमेश, संजय, जो लोग बेरोजगार हैं प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अजीत, अमित, सचित, पुष्पा, नवीन, अनुजा, शूषण, सरोज, अनामिका, विकास, सुषमा, जो लोग पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सागर, नैन्सी, स्वीटी, अमल, अनुपा, कंचन, महिमा, प्रियंका, परमिला, महक, शारा, नीरा, इशिता, हनोक, एंड्रू, एलेक्स, शिमरन, अलीफा, संध्या, ज्वाय, शुभानी, नीलिमा, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, अनीमा, अंजू, निशी, निशांत, उषा, अलीशा, रोनी, कुलदीप, शर्मिला, डैमिन, विभु, सुनील, मगदली, प्रभु जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, मनोहर, बिनलवा, संदीप, जो लोग जमीन केस के लिए प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी, शालिनी, नीलम, विलेचन, जो लोग निसंतान हैं, संतान आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, प्रमोद, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं प्रार्थना चाहते हैं, वंदना, दिव्या, उर्मिला, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कांति, जो लोग आज जिनका आज जन्मदिन है, आरती और निहाल, प्रभु इन दोनों बच्चों को और ऐसे जितने बच्चे हैं उन सब में आज प्रभु तू ये आशीष दे कि जीवन के अंत तक कभी भी ये तेरे मार्ग से ना भटे। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा भरोसा है, वही हमारा आश्रय है, वही हमारा भरोसा है, वही हमारा आश्रय है, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है,
प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। कहते आलू बेटा, जितने लोग गर्भ धारण किए हुए उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जितने नवजात शिशु हैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आज उन तमाम लोगों के लिए जिनको अपना घर नहीं है पिता, उनके लिए घर मांगते हैं प्रभु। प्रभु जितने लोग जहां भी कोई भी काम कर रहा है प्रभु, उन सब के लिए तेरा अभिषेक मांगते हैं। वो चाहे बैंकर हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो प्रभु, जिस भी क्षेत्र में वो काम करते हो, सरकारी गैर सरकारी, उन सब के लिए आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पिता उन सबको अपना अभिषेक देना। जितने तेरे दास दासी हैं प्रभु, उनकी एकता अखंडता बरकरार रखना प्रभु, उन्हें अपने अभिषेक से भरना पिता। इन दिनों जहाँ जहाँ बारिश नहीं हुई है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जल के जो स्रोत नीचे चले गए हैं पिता, उन पर कृपा कीजिए प्रभु, जल को आदेश दीजिए कि स्रोत ठीक हो जाए पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। इन दिनों जितने लोगों को छोटा कीड़ा काटे हुए है या कोई और इन्फेक्शन है, प्रभु ने रिलीज कर रहा है पिता का, धन्यवाद कीजिए ईश्वर। किसी को भी कोई छोटा सा कीड़ा काटे हुआ है, प्रभु उसको स्वतंत्र कर रहा है ईश्वर। जितने लोग एलर्जी से परेशान हैं या किसी अन्य स्किन डिजीज से परेशान है, ईश्वर ये कृपा हो रही है उन पर पिता। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे जितने मुख्यमंत्री हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने DM हैं, SP हैं, जितने डॉक्टर्स हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, मुखिया हैं, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने छोटे से लेकर बड़े व्यापारी हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने इंजीनियर्स हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ मैं उन तमाम हाउसवाइफ के लिए प्रभु, प्रभु उन तमाम हाउसवाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो अपना सर्वस्व अपने घर अपने परिवार को देते हैं प्रभु, और उनके अपने उनके पति उनके सास ससुर उनका सम्मान नहीं करते हैं प्रभु, उनकी छोटी से लेकर बड़ी जरूरतों का ध्यान नहीं रखते हैं प्रभु, उन तमाम हाउसवाइफ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उन पे कृपा कर प्रभु, उनकी छोटी से लेकर बड़ी सारी जरूरतों को अपने साई करते खोल के पूर्ण कर प्रभु, उन्हें आत्मसम्मान से भर, उन्हें स्वाभिमान से भर प्रभु, उनके कॉन्फिडेंस को ऊंचा कर प्रभु, ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके प्रभु, और जो घर जो उन्हें जेल लगने लगा है प्रभु, इस अवस्था से वो निकल जाए बेटा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। पावन आत्मा से भरता आत्मा में करता है वो, पावन आत्मा से भरता आत्मा में करता है वो। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। हे पिता, जितने लोगों का कल एग्जाम होना है प्रभु, उन तमाम बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि इन दिनों जितने का ऑपरेशन हुआ है प्रभु, उन सबके घाव सूखने में जो भी समस्या है प्रभु, उसको आपने समाप्त कर दिया है। जो भी पश आ रहा था उसको आपने ठीक कर दिया, और जितने भी नए ऑपरेशन किए हैं प्रभु, आपने किसी भी डॉक्टर के माध्यम से या पुराना है प्रभु, उस सारे दर्द को मिटा दिया है, उस सारे घाव को आपने ठीक कर दिया है। हे पिता, हमारे जितने लोग जो हमें डील करते हैं, हमारे नेतागण हैं, हमारे सुपीरियर्स हैं प्रभु, उनको सहन शक्ति दे, उन्हें अपने प्रज्ञा दे, अपने ज्ञान को भर प्रभु, कि हमें तेरी इच्छा तेरी आज्ञा के अनुसार डील कर सकें। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना दा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। जितने लोग हमें या हम जैसे जितनी भी सेवकाई हैं, चर्चेज हैं, उनको दान दशमांश देते हैं, प्रभु उसका प्रतिफल उन्हें प्रदान करें, आत्मिक, शारीरिक, संसारिक, भौतिक रूप से। तो धन्यवाद। कल चूंकि संडे है ना कल, तो हमारी आपकी मुलाकात हो जाएगी 11:30 में।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का परिवार, अगर आपकी किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, इस सहाय, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल